हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि फ़कर जमान ने जो है जब दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम को जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उस में जो है बाबर आजम को टीम से बाहर किया गया था, और उस पे फ़कर जमान ने बड़ा बयान दिया था। उनने बताया था कि ये बहुत ही गलत डिसीज़न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनका ये डिसीज़न है, वो रिवर्स करना चाहिए, यानी बाबर आजम को टीम में रखना चाहिए, और ये बहुत ही निगेटिव जो है पूरा जो संदेश जाएगा टीम के लिए, जो उनके मुताबिक कहा गया था। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ़कर जमान ने बड़ा बयान दिया था उस पे जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो है फ़कर जमान के ऊपर जो है शो कॉज लेटर जो है जारी किया है। ये बहुत ही बड़ी खबर, और ये पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फ़कर जमान को शो कॉज लेटर दिया गया है। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।